हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देन गाइस, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं रेडी होकर और बस बारात का वेट कर रहे हैं। सभी लोग आ जाएं तो फिर बारात उठेगी। तो गाइस, कैसा लग रहा है मेरा लुक जरूर बताएगा कमेंट करके। मैंने अपना मेकअप जो है खुद से ही किया है। हेयर स्टाइल बाहर से करा ली थी बट मेकअप खुद से किया है। और यहाँ पर सब चीज़ों की तैयारी हो गई है, बस बारात उठने वाली है। तो जो लोग नहीं आए वो भी आ जाएं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, फुल एंजॉय होने वाला है। तो ब्लॉग प्लीज स्किप मत करिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और ये मेरी मौसी जी हैं, उधर मेरी भाभी हैं और मम्मी बैठी है मेरी। तो सब मौसी अधिराज सब लोग बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं। एंड गाइज, मैंने देखा है आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और यहाँ पर अधिराज से वेट नहीं हो रहा है कि मम्मा बारात कब उठेगी, उसे डांस। कर दीजिएगा आप लोग, पूरा वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यहाँ पर दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है और द्वारचाल की फिर पूजा होगी, उसके बाद फिर जयमाल होगा। तो द्वारचाल की पूजा तो होती है हमारे यहाँ, सबके यहाँ ही होती होगी, अगर मुझे नहीं पता क्योंकि बाकी लोगों के वैसे शायद होती है कि नहीं, आप लोग जरूर बताएगा आप लोगों की तरफ ये द्वारचाल की पूजा होती है कि नहीं। Thank you.
यहाँ पर भाभी आ गई हैं और बस जयमाल होने जा रहा है। तो भाभी हमारी बंगाली हैं और तो इसी हिसाब से शादी हो रही है, मतलब कुछ रस्में वहाँ की फॉलो हो रही हैं कुछ यहाँ की। तो रात में जो भैया भाभी की ड्रेस है वो बिल्कुल बंगाली रहेगी, जो उसमें सिर पे पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो भी बंगाली स्टाइल का पूरा लुक रहेगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ब्लॉग स्किप नहीं करिएगा। सो यहाँ पर जयमाला होने जा रहा है और बंगाली लोगों में ना मैंने देखा है शादी के टाइम पर वो टंग से जो एक आवाज निकालते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने तो स्पेशल उसका वीडियो लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने ट्राई किया बट मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। Gracias.